दोस्तों, हमारी आदतें ही हमारा फ्यूचर डिसाइड करती है। अच्छी आदतें हमें सक्सेसफुल बनाती है और बुरी आदतें हमें अनसक्सेसफुल बनाती है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ उन आदतों के बारे में जो कभी भी आपको सक्सेसफुल बनने नहीं देंगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप इन आदतों को अपने जीवन से निकाल फेंकते हैं तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए जानते हैं उन आदतों के बारे में जिन्हें आपको आज से ही छोड़ना है। फर्स्ट, लेट उठना। अनसक्सेसफुल लोगों में यह आदत पहली श्रेणी पर आती है। जहां असफल लोग देर तक सोते हैं, वहीं सफल लोग सुबह में जल्दी उठ जाते हैं और उनकी जल्दी उठने की आदत ही उन्हें हमेशा पॉजिटिव और एनर्जेटिक बनाए रखती है। सुबह में जल्दी उठकर मॉर्निंग वॉक जाने से हमारे अंदर शुद्ध शुद्ध ऑक्सीजन जाती है, जो हमारे मस्तिष्क को ज़्यादा पावरफुल बनाने में काफ़ी मदद करती है और हमें फुल कॉन्सेंट्रेशन से कार्य करने की एनर्जी देती है। सेकेंड, दूसरे को ब्लेम करना। ऐसे लोग अपनी गलती नहीं मानते, भले ही वो गलत हो। वहीं सफल व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार कर उसे सुधारने की कोशिश करते हैं। सफल व्यक्ति अपने कमियों को ढूंढ कर उस पर काम करते हैं। वहीं असफल व्यक्ति को अगर कोई दूसरा बंदा उनकी गलती को बताता है तो वो उसे सुनने की बजाय उस बंदे की ही गलती निकाल देते हैं। इन्हीं आदतों के कारण वे अब तक असफल हैं। जिस दिन से वे अपनी गलती एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे, उस दिन से उनका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। थर्ड, पैसे सेव न करना। असफल लोगों की यह आदत है कि वे पैसे सेव नहीं करते, वे अपने सारे पैसे खर्च कर देते हैं। इसी कारण की वजह से वे और भी ज़्यादा गरीब हो जाते हैं। वहीं अमीर और सफल व्यक्ति पैसों से पैसा बनाता है और पैसे बचा कर सही जगह इन्वेस्ट करता है। फोर्थ, केवल सोचना। असफल लोग केवल सोचते हैं, वे कभी भी एक्शन नहीं लेते, जबकि सफल लोग सोचते कम हैं और करते ज़्यादा हैं। क्योंकि जब तक किसी भी प्लान या स्कीम को एक्शन में नहीं लाया जाए, तब तक उसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं चलता। सफल लोगों का मानना है कि सोचने से ज़्यादा करने में विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ हम सोचते हैं वो एक्चुअल में होता नहीं है। हम तो उसको अपने मन में अज्यूम कर लेते हैं कि हम ये करेंगे, ऐसे करेंगे, इस समय करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। इसलिए जब भी हमारे दिमाग में कोई विचार आए, हमें तुरंत उसको एक्शन में लाना चाहिए। फिफ्थ, रिस्क न लेना। असफल लोग रिस्क लेने से डरते हैं, वे कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहते। वहीं सफल लोग रिस्क लेने से घबराते नहीं हैं, वे पहले चीज़ों को समझते हैं। अगर उन्हें उसमें कुछ संभावना नज़र आता है तो वे रिस्क ले लेते हैं। और हमें यहाँ एक चीज़ नोट करनी चाहिए कि बिना सोचे समझे रिस्क लेना भी बेवकूफ़ी है। हमें पहले उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए जिस चीज़ पर हम रिस्क लेने वाले हैं। अगर बिना सोचे समझे रिस्क लेते हैं तो इसे सबसे बड़ा बेवकूफ़ी कहेंगे। सिक्स्थ, फालतू खरीदारी। असफल लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं जिन्हें उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, वे बस दिखावा के लिए उस चीज़ को खरीदते हैं। इसीलिए वे लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। और वहीं पर अमीर और सफल व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीज़ों को खरीदते हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत होती है। सेवेंथ, टीवी देखना। कभी आपने किसी सफल व्यक्ति को कहते हुए सुना है कि मैं टीवी देखने में समय बिताता हूँ? कोई भी समझदार व्यक्ति कभी भी अपना कीमती समय टीवी देखने में नहीं बिताता। टीवी देखने से हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला। टीवी देखने से हमारी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, जैसे मोटापा, स्ट्रेस और भी बहुत सारी चीज़ें। ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि अगर हम ज़्यादा टीवी देखते हैं तो हमारी सोचने की क्षमता कम हो जाती है। अगर आप भी सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आज से ही टीवी देखना बंद कर दो या बिल्कुल कम कर दो।